Hey guys, subscribe कीजिए और bell icon को दबाइए. Hello everyone, मैं इमरान सर. आज मैं आपको Ncert textbook chapter number 2 polynomials exercise 2.3 में question number 2 का first sum start करने वाला हूँ. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है first sum में क्या दिया हुआ है. Check whether the first polynomial is a factor of a second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Means ये है कि आपको check करना है whether the first polynomial is a factor of second polynomial. सिर्फ इतना देखना है आपको, अगर remainder अगर 0 आया तो factor है, और remainder अगर 0 नहीं आया तो factor नहीं है. Simple ये है. तो शुरू करते हैं आज का सम. सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूं तो मैं यहां पे देखिए टी 2t4 3 2 1 0, मतलब पावर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म होना चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से फॉर्म है. तो डायरेक्टली लिख लेते हैं यहां पर हम 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. अब ये देखोगे t square minus 3 मतलब वहां पे 1 नहीं है, मिसिंग है. तो मिसिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्लस 0x लगाते हैं. हमेशा प्लस लगाना है आपको मिसिंग में. लिखेंगे यहां पर t square plus 0t minus 3. अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को सेट करना है, बाकी बात जो भी टर्म है वो अपने आप आएगा. तो पहला टर्म क्या है, 2t power 4, मतलब आपको t से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो फर्स्ट टर्म सेट हो जाएगा. तो आप देखिए यहां पर t है तो यहां पर लिखोगे 2, तो यहां पे 2 सेट हो गया. अब t पावर 4 है, यहां पर t पावर 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, t का स्क्वायर. मतलब t मल्टीप्लाई 2 पावर t स्क्वायर गिव्स यू 2t power 4. अब क्या है, बाकी जो भी टर्म है वो अपने आप आएगा. प्लस 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 0 मल्टीप्लाई 2 0 t मल्टीप्लाई t स्क्वायर t क्यूब माइनस प्लस माइनस 3 2 6 t स्क्वायर. अब क्या आता है सेकेंड स्टेप्स, आपको साइन चेंज करना है. साइन क्या चेंज करोगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस. अब आपको क्या करना है, नीचे और ऊपर का साइन जो है याद रखना है, बीच की साइन जो है वो आपको भूल जाना है आपको. तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो 3 माइनस 0 क्या होगा, 3t क्यूब बड़ी की साइन प्लस की, यहां पे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4t स्क्वायर. अब बड़े की साइन क्या है, 6 बड़ा है, लेकिन 6 की साइन माइनस दिया हुआ, लेकिन ये नीचे साइन लिखा हुआ है तो माइनस साइन बड़ा नहीं है, ये प्लस साइन है. तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्लस. अब नीचे निकालिए, क्योंकि यहां पे 3 टर्म दिया हुआ है तो नीचे भी 3 टर्म होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर से ये नीचे उतार लिया मैंने. आगे अब आप देखोगे यहां पर फर्स्ट टर्म आपको सेट करना है यहां पर, तो क्या करोगे आप, यहां पर यहां टी चाहिए तो 3 लिख दिया यहां पर, और 3t क्यूब चाहिए, यहां पर टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहां पर 1t रख दिया मैंने, तो क्या होगा यहां पर 3t क्यूब हो गया. अब प्लस 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 0 मल्टीप्लाई 3 0, t मल्टीप्लाई t t स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 3 90 द होल अपॉन. अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. अब क्या करोगे आप, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, बड़े की साइन प्लस की, तो 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
कैंसिल कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर प्लस जीरो टी रख देता हूँ मैं समझने के लिए खाली बस। अब नीचे 12 बचा है लास्ट में, यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने 12। अब देखिए अब आपको सेट करना है 4t2। यहाँ पे टी दिए स्क्वायर ऑलरेडी है तो सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे 4 लिखना है यहाँ पर प्लस 4। तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इट गिव्स यू 4t2 प्लस 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 0 मल्टीप्लाई 4 0 टी मल्टीप्लाई 4 मीन्स टी माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस। देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अगर 0 आ गया मतलब क्या है देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ टी 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ये फर्स्ट पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल प्रूव हो गया। अगर इसका सॉल्यूशन लेना हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं सेकेंड सम जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन लेटर सेकेंड है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर फॉर्म देखना है आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो आपको प्लस जीरो एक्स देकर आपको उसको सेट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 1 0 ये सेट है या 4 3 2 1 0 मतलब दोनों का पावर एकदम सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं सम। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आप देखिए आप सबसे पहले मैं जो बोलता हूँ आपको मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को सेट करना है, बाकी जो टर्म है वो अपने आप मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस रखिए आप किस तरह से ये फर्स्ट टर्म को आप सेट करते हो। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे x पावर 4 है तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को सेट करने के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 मल्टीप्लाई 3 ये 3 प्रूव हो गया। अब प्रॉब्लम है कि x पावर 4 कैसे आए, तो क्या करना है आपको x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये फर्स्ट टर्म सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर 3x पावर 4। अब बाकी जो टर्म है वो अपने आप मल्टीप्लाई होकर आएंगे। एग्जाम्पल प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 3 9 एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 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 1 मल्टीप्लाई 3 3 और एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप ये होता है आपको साइन को सेट करना है आपको। तो साइन को क्या सेट करोगे आप, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या करोगे आप, जब आप ये साइन डोनेट कर देते हो लिख देते हो तो आपको याद रखना है जब नीचे का साइन आ जाए तो नीचे और ऊपर का साइन याद रखना है, बीच का साइन भूल जाना है। तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो 9 में 5 गया तो बचेगा 4x पावर क्यूब बड़े की साइन माइनस की, क्यों 9 बड़ा है और 9 की साइन प्लस नहीं रहा, अब 9 की साइन माइनस हो गया है तो माइनस आया। अब माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस 3 10 तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए और साइन बड़े की आएगी तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर यह 3 टर्म है, नीचे रिमाइंडर में 2 टर्म बचा है तो हमें नीचे उतारना पड़ेगा एक टर्म प्लस 2x। अब देखिए अब आपको इस 3 टर्म में से सबसे ज्यादा आपको फर्स्ट टर्म को सेट करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले साइन को सेट करते हैं। ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस साइन सेट हो गया। अब नंबर सेट करेंगे तो यहाँ पे 4 दिया है तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ गया। अब हम वेरिएबल को सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स क्यूब है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स रख दिया तो माइनस 4x क्यूब।
प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 4 12, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 1 4 4x। अब यहां माइनस का क्या होगा, प्लस, यहां माइनस का क्या होगा, प्लस, यहां माइनस है तो प्लस। अब क्या करना है आपको, नीचे और ऊपर के साइन को याद रखना है और बीच की साइन को आपको भूल जाना है। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, और बड़े की साइन प्लस की तो प्लस आ गया, प्लस प्लस प्लस, तो 4 प्लस 2 6x, बड़े की साइन प्लस की। फिर से नीचे दो टर्म आ गया है तो एक टर्म को नीचे उतारेंगे हम। और फिर से क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म को सेट करना है, तो यहाँ पे पहले प्लस सेट करेंगे तो प्लस और प्लस बिकम्स प्लस, सेट हो गया। नंबर सेट करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 2, सेट हो गया। अब वेरिएबल को सेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2x स्क्वायर, तो वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, प्लस 2x स्क्वायर। अब बाकी जो टर्म है अपने आप आएगा, प्लस प्लस प्लस, 3 2 6x, प्लस प्लस प्लस, 1 2 2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल। तो ये रहा सेकेंड सम। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन लेटर 3rd। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको डिग्री चेक करना है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन हो। तो देखिए फर्स्ट 3 2 1, ये मेंटेन है, लेकिन ये 5 4 नहीं है, यहाँ पे 3 2, मतलब इस नीचे वाले को सेट करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर एक्स पावर 5, अब यहां पे 4 नहीं है, जब मिसिंग हो तो अपने खुद की मर्जी से हम प्लस 0 एक्स पावर 4, हमेशा मिसिंग में प्लस ही आएगा। अब माइनस 4x पावर 3, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग x³ - 3x + 1 से। अब देखोगे यहां पर आप, सबसे पहले आपको डिग्री देखना होता है जो डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को सेट करना होता है जो x पावर 5 है। तो x क्यूब से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे x पावर 5 आ जाए, तो यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 5 आ जाएगा। अब बाकी जो टर्म है वो मल्टीप्लाई करके अपने आप आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई x 3x क्यूब 3x क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गलत हो गया है यहाँ पर, मीन्स अगर आप गलत करना भी चाहो तो आप गलत नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने आप आपको पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे गलत हो गया, देखो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर 3 2 2 कहा है, इसमें 2 तो है नहीं इसमें, दैट मीन्स इसको हमें सेट करना पड़ेगा इसमें। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, सेट करेंगे इसको हम लोग, मैं इस गलती करना भी चाहो तो गलती नहीं होगी। तो प्लस 0x² - 3x + 1, देखिए 3 2 1 0 मेंटेन हो गया, 5 4 3 2 1 0 मेंटेन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे 5 चाहिए तो 3x³ - x² - x पावर 5 आ गया, प्लस प्लस प्लस, 0 मल्टीप्लाई 1 0 x² x पावर 4 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 1 3x³ प्लस प्लस
plus 1 multiply x square gives you x square. अब देखिए, यहां plus है तो minus, यहां plus है तो minus, यहां minus है तो plus, यहां plus है तो minus. अब देखिए, plus minus cancel, 0 है तो cancel, minus plus minus, तो 4 में तो 3 गया तो 1x, तो मैं लिखता हूं यहां पे x cube, बड़े की sign, minus की, plus minus minus, ये cancel हो गया, तो समझने के लिए मैं यहां पे 0x square लिख लेता हूं, जो हमको easy होगा, नीचे मैं उतार लिया. अब देखियो, आपको सेट करना है यहां पर माइनस एक्स क्यूब सेट करना है. एक्स क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव साइन सेट करना है. तो प्लस माइनस माइनस, अब यहां पे आपको 1 लिख लीजिए आप, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1 आ गया, सेट हो गया. नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 0 मल्टीप्लाई 1 0, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया. माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई 1 3 x, अब प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1. अब क्या करना है आपको, यहां माइनस है तो प्लस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस. अब देखिए आप, सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, तो 1 प्लस 1 2, मींस आपका रिमाइंडर जो है वो 2 आ गया. इस बार 0 नहीं आया, 2 आया. दैट मींस आपको लिखना है, देयरफॉर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल. अगर रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल. तो सॉल्यूशन लिख लीजिए इसका, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़.